Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number first of exercise 17A, that is construction. Question number first is, draw a line AB and take a point P outside it. So friends, हम किसी भी measurement की एक line खींचेंगे AB. राइट फ्रेंड्स, ये हमने ए बी एक लाइन खींच ली है और पी उसका कोई भी पॉइंट आउटसाइड पे ले लेंगे हम. राइट फ्रेंड्स, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सी डी विच इज पैरेलल टू ए डी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी. ऐसी लाइन खींचेंगे जो पी से पास करे और पैरेलल हो ए बी के. तो उसके लिए हम एक पॉइंट ले लेंगे सी, सॉरी ई ले लेंगे, क्योंकि सी डी हम एक लाइन पैरेलल खोजनी है, और उसको हम ज्वाइन कर देंगे, ई और पी को ज्वाइन कर देंगे. राइट फ्रेंड्स, नाउ अब हमने ज्वाइन कर दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां से रखा और ये एक आर्क मारा, सिमिलरली उसी मेजरमेंट से यहां से रखा और ये एक आर्क मार. अब हम यहां से इस पॉइंट तक मेजर करेंगे कि कितना आ रहा है, उसी पॉइंट को यहां रखेंगे और यहां से एक आर्क मारेंगे. राइट फ्रेंड्स, आप उस पे उस पी उस पॉइंट को पी से ज्वाइन कर देंगे. राइट फ्रेंड्स, एंड वी विल सी दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू ए बी. And we will call this line as CD. Hence, AB is parallel to CD. Let's do question number second of exercise 17A, that is construction. Question number second is, draw a line AB and draw another line CD parallel to AB at a distance of 3.5 centimeter from it. फ्रेंड्स, ए बी हमें नहीं दे रखी है तो किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन खींचेंगे ए बी. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है सी डी जो कि 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी. तो उसके लिए हम, ये हमारा पॉइंट ए बी है, परपेंडिकुलर्स खींचेंगे ए पे भी और बी पे भी. हमें ये पता है कि पैरेलल लाइंस पैरेलल होती हैं. पैरेलल का मतलब होता है सेम डिस्टेंस, नीचे वाली लाइन के सेम डिस्टेंस पे होती हैं. तो ये खींचा, एक आर्क यहाँ लगाया, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगाया. राइट फ्रेंड्स, अब नाउ हम इसको ज्वाइन कर देंगे. अब इसी मेजरमेंट से बी से आर्क लगाया, यहां से एक आर्क लगाया, ये आर्क यहां लगाया, एक आर्क यहां लगाया और यहां से एक आर्क लगाया. राइट फ्रेंड्स, अब इसको बी से ज्वाइन कर दिया. राइट फ्रेंड्स, अब वो कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर पे हो सी डी जो हमारी है. तो 3.5 लिया, ए से भी वो कट मारा 3.5 पे और बी से भी कट मारा. अब जहां ये कट मारा है हम लोग उसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. राइट फ्रेंड्स, दिस हेंस सी एंड डी, दिस इज द पैरेलल लाइन टू ए बी और इनका डिस्टेंस कितना हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे भी ये कितना आ गया है, 3.5 सेंटीमीटर. राइट फ्रेंड्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 17A. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ड्रॉ अ लाइन एल एंड ड्रॉ अनदर लाइन एम पैरेलल टू एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3 सेंटीमीटर ऑफ इट. तो पहले हम एल लाइन बनाएंगे, उसका मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है तो मैंने एम ऐसे ही कोई कितने भी सेंटीमीटर की एक एल लाइन बना ली है. अब इसके दो पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला. यहां से हम
आग खोलेंगे और एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, एक कट यहां मारा, यहां से एक कट ये, एक कट ये और एक कट ये, सेम सेम आग से हमने यहां मारा, एक कट ये, एक कट, नेक्स्ट कट और नेक्स्ट कट। अब हम इसे परपेंडिकुलर बना लेंगे। ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया नेक्स्ट परपेंडिकुलर, राइट फ्रेंड्स? नाउ वी हैव टू मेक अनदर लाइन एम विच इज पैरेलल टू एल बट एट 4.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो 4.3, 4, 1, 2, 3, और ये हमने पेंसिल में ये लिया कंपास में और इसको कट कर दिया, यहाँ से भी लिया और इसको कट कर दिया, राइट फ्रेंड? तो ये ये ज्वाइन कर दिया हमने। नाउ दिस इज द लाइन एम विच इज पैरेलल टू एल। फ्रेंड्स देखने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये 4.3 है या नहीं है, राइट फ्रेंड्स? 4.3, तो दोनों कितने आ गए, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर इज द आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।